माध्यम के द्वारा। और आज जो है एक प्रसाद की घड़ी है, कार्य पूर्ण हुआ, तो भगवान का जो विशेष अवतार अनोरणीया महतो महीया, भगवान अनु के अनु प्रत्येक अनु जीवम प्रत्येक अनुरूप जीवात्मा प्रत्येक शरीर है, अनंत जीवात्मा है और वो सब ब्रह्म है। ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तैयार। अपने सामने आया है कि जो जितनी भक्तों की इच्छा है उसकी उसको प्राप्त होने के लिए क्या बन जा रहा है, तो जितना सब दिन अपना है कि आप सभी भक्तों के मन के दर्शन को पूर्ण होंगे और चतुर आनंद में जीवन मिलने का साहस मिलेगा। कई लोगों की मन में इच्छा होगी कि हम बापू के द्वारा सत्ता करेंगे, मंदिर बन जाएंगे और उसका का जगह जगह चतुर आत्म नहीं जा रहे हैं। कितने सुंदर दिन लगता है के साथ एक बहुत बात है कि जैसे ब्रह्मा जी ने जब क्योंकि महाराज जी कुछ समय में साथ चलो कृष्ण की मान हमने दो महान का नाम किया काम कुमार से जब महाराज जी विशेषता है। अगर आप यहाँ बैठकर मौन को बैठकर दर्शन आए वाणी वाणी में सुनी तो आपको कोई समझ नहीं आया कौन क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है। ये महान विशेषता आपके साथ रहकर किस बंगाल में देखने को मिल रही है। मां सागर के लिए बड़ा एक छोटा सा सागर है, मां को अगर आप पूजा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नामो तो मन होता है तो वो चुप ही रहता है और अपने अंतर आत्मा के आने वाले हृदय दुखा के कारण जरूर जावा, पाप और पुण्य करे जन्मा नेतो कारी नर ही ले पानी के लिए। बापू जी तक कह रहे थे मनुष्य जन्म में आके लिए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तुकाराम महाराज के होगा मेरा देवी योगी हानि के लिए, कभी कहे थे कि पक्षी देवी योगी हानि के लिए, पशु देवी योगी हानि के लिए, ऐसा कभी नहीं कहते, कहे तो मेरा देवी योगी हानि के लिए। मनुष्य जन्म में इसलिए कहा गया बड़ा भाग मानस तनखा, मनुष्य जन्म इतना उपयुक्त शरीर है कि हम नर्क नारायण बन सकते हैं। शिव जिन के लिए करना क्या है वही तुकाराम महाराज कहते हैं मनुष्य जन्म में ही हम कुछ विचार करके भगवान भगवान का भजन नाम को अंकीर्तन करके हम उसको पाप कर सकते हैं। आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं, लक्ष्मी महाराज जी के इस आश्रम का मैं पहले दो तीन बार आ चुका हूं। पिछले साल में दो साल पहले जब संत श्री गरुड़ जी महाराज जी का जन्मदिन का कार्यक्रम चारकेश्वर में हो रहा था उस समय तक हमने वहां गए थे। उसके बाद 98 मई 2 तारीख को बनवा देवी एक संतों की कृपा से एक मंदिर बन चुका था, उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उस समय हम लक्ष्मण बापू जी से निवेदन किया था कि आप कृपा करके बना रहे वो
मैं समझता हूँ समझ जी को समझ जी को या नहीं के वो जाने, लेकिन उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए कुछ कारण। उसी के 2-4 दिन के बाद तारकेश्वर में तो ये ध्यान लेकर शिविर था तो वहां पर आ रहे थे। मेरा महीना है देखो, हमारे आश्रम पर नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, लेकिन वो ध्यान के लिए चले गए। क्या ये शरीर के लिए नहीं आ सकते थे? ये मेरे मंदिर है। उसी समय से मैंने जो भी आते थे बाप जब जब भी बुलाते थे कोई भी आता था समाचार लेते तो मैं कहता था मेरा कार्यक्रम का खुले। जब तक बापू इस आश्रम का नहीं आई तो मैं नहीं आता। फिर भी बापू बार बार समाचार देते थे, फाल में जो कार्यक्रम होता था उसके लिए मुझे निमंत्रण भी देते थे, नहीं आ पाता। इस कार्यक्रम के लिए दादा गांधी को लेने के लिए हरिद्वार करना था, उसका कहने के लिए समाचार दिए कि आपको मुझे जरूर जरूर आप मेरे साथ आना चाहिए, लेकिन भगवान के ऐसा कुछ आदेश था, कार्य था, जो कुछ भी था, हमारे आश्रम पर पूजा प्रकरण के कारण से हम लोगों के लिए दो मास का ही चतुर्मास होता है। मैंने 4 मास का पूजा कर ले लिया, इसलिए दादा जी को बुलाने जा रही थी, रोटी लेकर मैंने सही दिन आ पाया था। मैंने खुद कह दिया चतुर्मास मेरा हो रहा है इसलिए नहीं आ पाया। पत्र लिखे थे, मैं जानता हूं कि आप मेरे ऊपर नाराज हैं, ये सहज स्वभाव से नाराज होना, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आप मेरे प्रति प्रेम रखते हैं। लेकिन के कारण से चतुर्मास नहीं आ पाए। मैं अहोभाग्य हूं दादा गांधी के साथ और उसी कार्य में मैंने भाग लिया, इसलिए भाइयों जीव का स्वभाव है पूर्व जाना पूर्व करना, परंतु अखंडानंद सरस्वती जी जिन्हें पर कहीं ऐसा कोई भी जीव संसार में नहीं है कि कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर कोई ना कोई अपराध ना हुआ हो, हर एक जीव से अपराध हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं जिस प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं। ये महान संतों का वचन होता है, उनका अनुग्रह होता है, इसका अनुग्रह हम जरूर करना चाहते हैं। अभी 5-7 तारीख से आप लोग यहां पर पूजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, संत का निपूर्ण वचन सुन रहे हैं, अब आप लोग जनता करोड़